आशंका क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वन माफिया है वहाँ पे काफ़ी टाइम से बहुत जोरों पे उनका काम हो रहा था, जिसके अगेंस्ट मेरे हस्बैंड ने गौहर थाने में और उनका जो ऑफिस है वहाँ पे बादशाह में वहाँ पे कई बार उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई। क्या देवभूमि हिमाचल में एक और होशियार हत्याकांड हो गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हादसे में मारे गए वन रक्षक की पत्नी ने अपने पति की मौत को हत्या बताते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग उठाई है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने भी अपने गृह क्षेत्र में घटी इस घटना पर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। बीती 16 अप्रैल को सड़क दुर्घटना में मारे गए वन रक्षक हरीश कुमार की पत्नी ने अपने पति की मौत को हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग उठाई है। 44 वर्षीय हरीश कुमार मंडी जिला की बलघाटी के नागचला गांव का रहने वाला था और सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली हलीणु वन बीट में बीते 2 सालों से वन रक्षक अपनी सेवाएं दे रहा था। 15 और 16 अप्रैल की रात को केलोधार के पास सड़क हादसे में हरीश की मौत हो गई, लेकिन मृतक की पत्नी सुनीता देवी इसे हादसा मानने को तैयार नहीं है। सुनीता ने संदर्भ में एसपी मंडी को लिखित में पत्र देकर सीबीआई जांच की मांग उठाई है। क्या कहना है सुनीता देवी का, आप खुद ही सुन लें। आशंका क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वन माफिया है वहाँ पे काफ़ी टाइम से बहुत जोरों पे उनका काम हो रहा था, जिसके अगेंस्ट मेरे हस्बैंड ने गौहर थाने में और उनका जो ऑफिस है वहाँ पे बादशाह में वहाँ पे कई बार उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। पुलिस स्टेशन में भी कम से कम 10-20 FIR होनी, पर वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं करते थे और इससे वो बहुत बहुत परेशान थे। वो घर भी छुट्टी नहीं आते थे, बुलाने पे भी नहीं आते, बोलते थे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इन लोगों ने मेरे को इतना परेशान करके रखा है कि मैं किस पुलिस स्टेशन में जाऊँ और किस ऑफिसर के साथ बात करूँ कि ये सब काम कम हो जाए। जब जो वहाँ पे जो ठेकेदार वहाँ के जो थे वो रात में ही काम करते थे, वो कभी गश्त पे भी निकल जाते थे, रात को भी जंगल में निकल जाते थे और मुझे ये लगता है कि मेरे हस्बैंड की जो वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, उन लोगों ने फुल प्रूफ प्लान के साथ उनका मर्डर किया है। मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि इसकी न्यायिक जांच हो और आगे जो दूसरा भी बच्चा किसी और का बेटा या किसी और का पति वहाँ पे जॉब करने जाए तो उसके साथ ही हादसा कभी पेश ना आए, नहीं तो उनकी सीबीआई जांच की मैं प्रशासन से मांग करती हूँ। हरीश कुमार 19 डोगरा रेजिमेंट में बतौर हवलदार रिटायर होने के बाद वन रक्षक के रूप में दूसरी सरकारी नौकरी कर रहा था। हरीश ने एक छोटा टेम्पो भी खरीदा था जिसे वह खुद ही चलाता था। बीती 15 अप्रैल को हरीश इसी टेम्पो से नर्सरी के लिए बीज लेने चैल चौक गया था। हरीश चैल चौक से रात को अपने क्वार्टर के लिए निकला, लेकिन सुबह उसकी लाश एक गहरे नाले में मिली। टेम्पो 800 मीटर गहरी खाई में गिरा था, जबकि हरीश की लाश उससे पहले ही गिरी हुई मिली। पैंट उतरी हुई थी और पर्स सड़क पर ही पड़ा था। पत्नी सुनीता देवी का कहना है कि उनके पति के मोबाइल फोन में वन माफिया के सारे सबूत मौजूद हैं और यह फोन अभी पुलिस के पास है। सुनीता की माने तो फोन में मौजूद वीडियो और फोटो जांच के लिए काफी हैं। सुनीता को यह भी डर है कि राजनीतिक दबाव बनाकर फोन का डेटा डिलीट करवाया जा सकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि वही सभी उन्हीं लोगों की वो ये जो मिली जुली भगत नहीं तो उनका एक्सीडेंट उसी स्पॉट पे नहीं होना था जहाँ पे जो वो गैर कानूनी काम लगा हुआ था। वो इतने सालों से ड्राइविंग कर रहे हैं वहाँ पे और उनके ऐसे इतने एविडेंस मिले हैं, उनके फोन में ही सब कुछ है। पुलिस को ज्यादा जानकारी यहाँ वहाँ पूछने की जरूरत नहीं है, एविडेंस है, फोन में वीडियोस है, कॉल रिकॉर्ड है, हर चीज फोन में। अगर वो उनके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए तो उनको उस फोन में ही सब कुछ मिल जाएगा और किसी और से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिकल प्रेशर के जरिए वो भी सकता है कि उनके फोन के साथ कोई छेड़छाड़ की जाए या केस को दबाने की कोशिश की जाए, पर मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ प्रशासन न्याय करे।
वहीं सुनीता देवी की यह फरियाद सीएम जयराम ठाकुर के पास भी पहुंची है। पूरा मामला खुद सीएम जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज का है। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, जो तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। हाँ, मैंने वो बात कह दी, मैंने कहा उसमें जांच के लिए बोल दिया, हमने इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें इंक्वायरी होकर के जो फैक्चुअल पोजीशन है वो पता करेंगे। आपको बता दें, अभी इस मामले की जांच गोहर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी सिर्फ दुर्घटना संबंधी मामला दर्ज करके कार्यवाही की जा रही है। सुनीता देवी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग तो उठाई है, लेकिन देखना होगा इसमें उच्च स्तरीय जांच करवाई जाती है या फिर स्थानीय स्तर पर ही जांच पूरी हो जाएगी। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताजा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।